दोस्तों एक नॉर्मल रूम के लिए स्विच बोर्ड का वायरिंग कैसे होगा। दोस्तों एक रूम में मिनिमम 2 लाइट, एक फैन और मोबाइल चार्ज करने के लिए एक सॉकेट का जरूरत पड़ता है। वैसे तो बहुत कुछ लगता है, बट मैं बात कर रहा हूँ एक रूम के लिए। इसके लिए एक मेरे पास स्विच बोर्ड है, इसे एक नॉर्मल रूम के लिए यूज में ले सकते हैं। दोस्तों इस बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका यूज एक रूम में कैसे होगा, आज की वीडियो में पूरा सिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस बोर्ड में मोबाइल को चार्ज करने के लिए या अन्य काम करने के लिए एक सॉकेट, 3 स्विच और फैन को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और इस बोर्ड की सेफ्टी के लिए एक फ्यूज लगा हुआ है। चलिए दोस्तों इस बोर्ड को पलट देते हैं और इसे फिर से समझते हैं। यह हो गया हमारा सॉकेट, 3 स्विच, यह रेगुलेटर, यह इंडिकेटर और यह हो गया हमारा फ्यूज। चलिए दोस्तों इसका वायरिंग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड में फेज वायर का वायरिंग करेंगे। इसके लिए एक वायर का टुकड़ा लेंगे, जो कि यह 1 mm का वायर है, और इस वायर को यहाँ से यहाँ तक माप कर इसका इंसुलेशन निकाल देंगे। और इस वायर को सिर्फ इन दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर सकते हैं या ऊपर वाले पिन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस स्विच का कनेक्शन इस रेगुलेटर से होगा, इसलिए इसका कनेक्शन बाद में करेंगे। अब इस वायर को इन दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। यह कनेक्ट हो गया, फिर इस वायर को इंडिकेटर के नीचे वाले या ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस इंडिकेटर को जलने के लिए न्यूट्रल और फेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस फेज वायर को इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और इसके साथ में दोस्तों एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे, फिर इस वायर को इस फ्यूज के किसी भी पिन में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ताकि कनेक्शन करने में आसानी हो। अब दोस्तों इस सॉकेट को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज की जरूरत पड़ती है, और इस सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच से कनेक्शन करेंगे। इसके लिए एक वायर लेंगे और इस स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट करके इस सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों इसमें इस रेगुलेटर का भी कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन कैसे होगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ अलग तरीके से इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। इस रेगुलेटर के वायर में बिना ज्वाइंट किए हुए इसका कनेक्शन करूंगा, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कहीं देखा होगा तो इस प्रकार से ज्वाइंट करके रेगुलेटर का कनेक्शन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों रेगुलेटर को भी चलने के लिए फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो इस रेगुलेटर के दोनों वायर में से किसी एक वायर को इस स्विच के नीचे वाले पिन में फेज वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर दूसरे वायर को, यह हमारा बचा हुआ स्विच है, इस स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों फेज वायर का कनेक्शन फाइनल हो गया, अब इसमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए एक वायर का टुकड़ा लेंगे। दोस्तों इस सॉकेट को चलने के लिए न्यूट्रल सप्लाई की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस वायर को इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से फेज मिल जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, यह कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों इस वायर को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसे भी न्यूट्रल सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ऑलरेडी फेज आया हुआ है, इसका भी कनेक्शन हो गया। दोस्तों इस बोर्ड का सारा कनेक्शन वायरिंग फाइनल हो गया। अब इसे टेस्ट करने के लिए इसमें मेन सप्लाई, न्यूट्रल, फेज और होल्डर का भी कनेक्शन करेंगे, क्योंकि आप इसे अच्छे से सीख सके और समझ सके और अपने लिए या किसी और के लिए वायरिंग कर सके। दोस्तों मैं दो होल्डर को ले रहा हूँ, एक स्विच से कनेक्शन करूंगा और दूसरा रेगुलेटर से कनेक्शन करूंगा, क्योंकि दूसरा होल्डर को मैं फैन के जगह पर यूज कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन करते हैं। दोस्तों इस होल्डर का कनेक्शन रेगुलेटर के साथ करेंगे तो इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं रेगुलेटर का कनेक्शन इस स्विच से हुआ है और दूसरा वायर इस स्विच के फेज वायर के साथ कनेक्ट हुआ है। इस वायर के रास्ते फेज की सप्लाई रेगुलेटर में आएगा और रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो इस स्विच तक सप्लाई आ जाएगा, और इस होल्डर के एक वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट करेंगे और इसको ऑन करने पर फेज की सप्लाई इस बल्ब में आ जाएगा। चलिए इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इस होल्डर के न्यूट्रल वायर को मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, दोनों होल्डर के न्यूट्रल वायर को एक साथ कनेक्ट करेंगे। अब इस होल्डर के फेज वायर को इस स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो दूसरे बोर्ड में और स्विच होल्डर को बढ़ाकर कनेक्शन कर सकते हैं। फिर दोस्तों इन दोनों होल्डर के न्यूट्रल वायर को आपस में जोड़कर इस इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे, जिसमें न्यूट्रल वायर आया हुआ है। यह हो गया हमारा होल्डर का कनेक्शन, यानी एक होल्डर का कनेक्शन रेगुलेटर से हो गया और दूसरा होल्डर का कनेक्शन स्विच से हो गया। अब दोस्तों इस बोर्ड में मेन सप्लाई के न्यूट्रल और फेज वायर का कनेक्शन करके इसे टेस्ट करेंगे। यह रहा हमारा मेन सप्लाई का न्यूट्रल और फेज का वायर। इसमें से न्यूट्रल वायर को इस सॉकेट के एन वाले पिन में, यानी न्यूट्रल पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर मेन सप्लाई के फेज वायर को इस फ्यूज के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड में सारा कनेक्शन वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस बोर्ड में सप्लाई को चालू करने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं।
सबसे पहले इस बोर्ड में सप्लाई को चालू करेंगे तो इस फेज वायर के रास्ते फेज की सप्लाई इस फ्यूज से होते हुए इंडिकेटर तक आएगा और इस इंडिकेटर में न्यूट्रल की मेन सप्लाई इस न्यूट्रल वायर के रास्ते आया हुआ है, इससे हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा। फिर इस इंडिकेटर से होते हुए फेज की सप्लाई स्विच तक आएगा और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही फेज की सप्लाई चला जाएगा। इसमें फेज का सप्लाई मिल गया और न्यूट्रल का सप्लाई इस न्यूट्रल वायर से मिल रहा है, यानी जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे यह हमारा बल्ब जलने लगेगा। इसी प्रकार से दोस्तों इस रेगुलेटर में फेज की सप्लाई इस स्विच में वायर के रास्ते रेगुलेटर में आ रहा है और रेगुलेटर के दूसरे वायर से इस स्विच में जा रहा है और जैसे ही इस स्विच को ऑन करने पर इस होल्डर में सप्लाई चला जाएगा और न्यूट्रल की सप्लाई यहां से ऑलरेडी मिल रहा है। अब दोस्तों इस सॉकेट में फेज की सप्लाई इस स्विच में आया हुआ है और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो फेज की सप्लाई इस सॉकेट में आ जाएगा और इसमें ऑलरेडी मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर कनेक्ट है, यानी सॉकेट में भी मोबाइल चार्ज होगा या अन्य काम होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों मेन सप्लाई के न्यूट्रल और फेज वायर में सप्लाई को चालू करेंगे और इसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस बोर्ड को सीधा कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा सीधा हो चुका है। अब दोस्तों इस फ्यूज में फ्यूज को बांधेंगे। इसके लिए मल्टी स्टैंडर्ड वायर में से दो वायर को मैं ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और वायर को इस प्रकार से घुमाकर लगा देंगे और इसे टाइट कर देंगे और जो बचा हुआ यह वायर है इसे वायर कटर की मदद से इसे काटकर निकाल देंगे। यह हमारा फ्यूज बांधा जा चुका है, अब इस फ्यूज को वापस से लगा देंगे। अब इन दोनों होल्डर में बल्ब को लगा दे रहा हूँ। दोस्तों यह हमारा बल्ब भी लग गया, अब इसमें सप्लाई को चालू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड में सप्लाई आ चुका है, हमारा इंडिकेटर जलने लगा। इन वायर में मेन सप्लाई को चालू किया हूँ, अब इस स्विच को ऑन करके टेस्ट करते हैं। रेगुलेटर वाला स्विच ऑन हो गया। अब जैसे ही इस रेगुलेटर को ऑन करेंगे वैसे ही हमारा बल्ब जलने लगा, आप देख सकते हैं यह हमारा रेगुलेटर बराबर काम कर रहा है। आप इसी प्रकार से इस फैन रेगुलेटर के साथ फैन का कनेक्शन कर सकते हैं और दूसरा स्विच भी काम कर रहा है। चलिए दोस्तों इस सॉकेट को भी टेस्ट करते हैं। इसके लिए इस होल्डर में से एक बल्ब को निकाल दे रहा हूँ और इस होल्डर में इसे लगाकर इस सॉकेट में प्लग को डाल दे रहा हूँ और स्विच को ऑन करने पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।